यूपी में बिजली विभाग को प्राइवेट किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। जी हां, राज्य में बिजली के निजीकरण को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया गया है। अलग अलग जिलों में लगभग 25,000 कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी लोग निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन के चलते बीते दिन राज्य के कई शहरों में बत्ती गुल कर दी, जिसके चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिजली कटने से सिर्फ आमजन ही नहीं, बल्कि कई अधिकारियों के घर की बत्ती भी गुल रही। कई मंत्री और विधायकों के घरों में भी बिजली की आपूर्ति न हो सकी। इस कारण लोगों के पास पानी की समस्या भी उठ खड़ी हुई और लोगों को पानी की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। बता दें, यूपी के कई शहर जैसे देवरिया, आजमगढ़, बाराबंकी, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर के अलावा कई जिलों में बिजली ठप पड़ गई है और ये शहर अंधेरे में डूब गए हैं। कई जगहों पर तो बिजली कर्मचारियों ने सोमवार की सुबह से ही हड़ताल शुरू कर दी और आज भी यही हालात बने हुए हैं, जिसके चलते सभी का जीना मुहाल हो गया है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, इस कारण सरकार ने बिजली विभाग में निजीकरण का फैसला लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2018 में हुए समझौते का सरकार को पालन करना चाहिए। बता दें, 5 अप्रैल 2018 को बिजली विभाग के कर्मचारियों और सरकार के बीच एक ऊर्जा प्रबंधन के साथ समझौता किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली विभाग में निजीकरण के किसी भी फैसले को लेने से पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों को विश्वास में लेकर ही कोई फैसला करेगी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिससे कर्मचारी आक्रोश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।